हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव यसरो सेंटेंस के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है, या रूल फॉर्मूला को रूल भी कह सकते हैं, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इन द ब्रैकेट प्लस भर थ्री प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहचान होता है या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। अब देखिए, या जाता है क्यों, तो ये एक्टिव में ता है, ती है, ते है होता है, तो जितने भी पैसिव का पहचान होता है उन सभी में या जा जोड़ देते हैं। तो या जाता है, यी जा ती है, ये जा ते हैं। इसमें ना द्वारा लगा करके सेंटेंस को बनाया जाता है। यहाँ पे रूल लिखा हुआ है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इन द ब्रैकेट वर्ब थ्री प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, जिसका पहचान होता है या जाता है, यी जाती है, ये जाते हैं। अब देखेंगे इसका सेंटेंस, क्या मेरे द्वारा रविवार को किताब पढ़ने के लिए नहीं सोचा जाता है। तो इस वाक्य में हम आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जितने भी वाक्य होते हैं उस वाक्य में जो प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ शब्द रहता है, यानी कि वर्ड रहता है, उसको सब्जेक्ट के रूप में हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किताब जो है, किताब, किताब में न मे लगा हुआ है, न पर लगा हुआ है, न से लगा हुआ है, इसलिए ये हम सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं। तो सबसे पहले रूल में एम इज आर में से किसी एक को लिखना है, तो बुक के साथ एम इज आर में से इज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम इज लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा किताब है, तो किताब को बुक बोलते हैं, तो बुक लिख दिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर नॉट है, इस वाक्य में यहाँ नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हम नॉट को लिख दिए। यदि नहीं नहीं रहता तो नॉट को नहीं लिखते, एकदम ध्यान से देखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए, वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, तो वर्ब यहाँ सोचना, मतलब सोचा जाता है। हम बता चुके हैं कि जिस वाक्य, कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य हो, यदि उस वाक्य के कोई शब्द है, उस शब्द के साथ पहचान जुटा हुआ है, तो वही हमारा उस वाक्य का वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे सोचना होता है, लेकिन हम यहाँ लिखे सोचा जाता है, सोचा जाता है, या जाता है, देखिए पहचान या जाता है, तो सोचना हमारा वर्ब है और इसके साथ पहचान लग गया, तो सोचा जाता है। हम वर्ब का पहचान भी बताए थे, अगर कोई शब्द के अंत में ना लगा हुआ रहे तो वह हमारा वर्ब कहलाता है, कुछ शब्द को छोड़ के, जैसे पटना, कोना, नाना, ये सब संज्ञा है ना। तो जो भी शब्द के अंत में ना लगा हुआ रहता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। तो देखिए, सोचना, तो सोचना के अंत में ना लगा हुआ है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। तो सोचना का वर्ड थिंक होता है, और थिंक का तीसरा रूप लिखना है, तो थॉट लिखेंगे। उसके बाद देखिए, फिर पीछे लौटेंगे, तो पीछे लौटने पर मिलता है के लिए, के लिए का वर्ड होता है फॉर, तो यहाँ फॉर लिख दिए। फिर पीछे लौटे हम, तो पढ़ने, तो पढ़ना, पढ़नी, पढ़ने, पढ़ने, पढ़नंग, पढ़ना, सब का वर्ड रीड ही होता है, तो यहाँ पर हम रीड लिख दिए। उसके बाद देखिए, रविवार को, तो देखिए रविवार को, ऐसे को के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, को के लिए, का के लिए, की के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलेशन में, लेकिन यहाँ पर रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, इस तरह से रहे, तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, यानी कि देखिए, यदि रहता बुधवार को तो ऑन वेडनेसडे, शनिवार को तो ऑन सैटरडे, इस तरह से, लेकिन यहाँ पे है रविवार को, तो ऑन संडे लिखेंगे। तो देखिए, ऑन संडे। उसके बाद देखिए, मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा है, तो बाय मी लिख देंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या उन लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह सवेरे आम के बगीचे में बैठकर लूडो खेला जाता है। देखिए यहाँ पर या जाता है, ये पहचान हो गया, खेलना तो हमारा वर्ब हो ही गया, उन लोगों के द्वारा लास्ट का हो जाएगा, प्रतिदिन ऑब्जेक्ट है, सुबह सवेरे को सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, आम के बगीचे में, तो यहाँ पर देखिए में आ गया, तो हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, तो इसको भी सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। बैठकर में टू हमारा प्रीपोजिशन आ गया, इसको भी सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। लेकिन लूडो, लूडो में ना मे लगा हुआ है, ना पर लगा हुआ है, ना से लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लूडो को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। तो लूडो के साथ एम इज आर में से इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ इज लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा लूडो है, तो लूडो लिख दिए। तब देखिए, यहाँ पर नॉट लिखना है, इस वाक्य में देखेंगे नहीं है कि नहीं, तो देखिए इस वाक्य में कहीं भी नहीं नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे। अब वर्ब को लिखना है, वर्ब में वो भी तीसरा रूप लिखना है, तो खेलना हमारा वर्ब है, खेलना का वर्ड प्ले होता है,
और प्ले का तीसरा रूप प्लेड होता है। तो यहाँ पर हम प्लेड लिख दिए। हम बताए हुए हैं कि देखिए सब्जेक्ट को और वर्ब को लिखने के बाद वर्ब के बाद पीछे की तरफ लौटते चले आते हैं, जो भी शब्द जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे लिख देंगे, कितनों भी बड़ा सेंटेंस रहे वह आसानी पूर्वक बन जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर हम वर्ब को लिख दिए प्लेड, उसका पीछे लौटे लूडो, हमारा सब्जेक्ट था बैठकर। हम बताए हुए हैं कि बैठकर, खाकर, उठकर, दौड़कर, भागकर, पीकर, नाचकर, खेलकर, करकर, जितना में कर लगा हुआ रहता है टू प्लस वर्ड लिखते हैं, यानी कि बैठकर तो टू सीट, खाकर तो टू ईट, दौड़कर तो टू रन, भागकर तो टू फ्ले अवे, लेकिन यहाँ पर है बैठकर, तो बैठकर है तो टू सीट लिखेंगे। तो देखिए टू सीट लिख दिए, फिर पीछे लौटेंगे मे है तो मे का वर्ड होता है इन। अब देखिए बगीचा है ना, क्या चीज़ का बगीचा, तो आम का बगीचा। ऐसे तो बगीचा को हम गार्डन कहते हैं, लेकिन गार्डन जो होता है वो छोटे छोटे पौधों के लिए होता है, यहाँ पर वृक्ष है, आम जो है सो वृक्ष है, तो आम के बगीचा, बरगद का बगीचा, अमरुद का बगीचा, ये सब के लिए ऑर्चार्ड का प्रयोग करते हैं। जो पेड़ होता है, पेड़ वाला जो बगीचा होता है उसके लिए ऑर्चार्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए तो ऑर्चार्ड ऑफ मैंगो, आम का बगीचा। सुबह सवेरे तो इसका वर्ड होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर पीछे लौटेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन का चार वर्ड होता है, प्रतिदिन का चार वर्ड होता है, जैसे कि एवरीडे होता है, डेली होता है, डे बाई डे होता है, पर डे होता है, तो यहाँ पर हम एवरीडे लिख दिए, तो एवरीडे हो गया। उसका फिर पीछे लौटेंगे, देखिए उन लोगों के द्वारा, तो के द्वारा का वर्ड होता है बाई और उन लोगों का वर्ड होता है देम, तो यहाँ पर देखिए बाई देम। तो ये बहुत ही आसान तरीका से था। अगला सेंटेंस देखते हैं कि कैसे बनता है। सो तो सेंटेंस है, क्या मेरी माँ के द्वारा प्रतिदिन विद्यालय में जाकर संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या मेरी माँ के द्वारा, ये हमारा लास्ट का है, प्रतिदिन ऑब्जेक्ट के रूप में, विद्यालय में तो में हमारा प्रीपोजिशन हो गया, जाकर तो यहाँ पर टू हमारा प्रीपोजिशन लग जाएगा, या जाता है पहचान हो जाएगा, पढ़ाना वर्ब बच गया संस्कृत, जिसके साथ न मे लगा हुआ है, न पर लगा हुआ है, न से लगा हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो संस्कृत के साथ एम इज आर में से इज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम इज लिख देंगे। उसके बाद देखिए संस्कृत सब्जेक्ट है तो संस्कृत लिख दिए। उसके बाद देखिए नॉट, इस वाक्य में कहीं पर नहीं नहीं है, इसलिए नहीं को नहीं का वर्ड नॉट नहीं लिखे हैं। अब देखिए वर्ब हमारा पढ़ाना है, पढ़ाना से बना पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाना का वर्ड होता है टीच, लेकिन वर्ब का तीसरा रूप लिखना है तो टीच का तीसरा रूप टॉट होता है, तो टीच का तीसरा रूप टॉट लिख दिए। उसके बाद पीछे की तरफ लौटेंगे तो देखिए जाकर, अभी हम बताए हैं कि खाकर, पीकर, उठकर, दौड़कर, सब में टू प्लस वो वर्ड लगाते हैं, तो जाकर, तो जाना का वर्ड गो, तो कर लग गया तो टू गो लिखेंगे, तो देखिए टू गो। फिर पीछे लौटेंगे तो देखिए मे है, मे का वर्ड इन होता है। फिर पीछे लौटेंगे तो विद्यालय, विद्यालय का वर्ड स्कूल होता है, तो यहाँ पे स्कूल लिख देंगे। अब देखिए प्रतिदिन है तो प्रतिदिन का वर्ड एवरीडे, डे बाई डे, पर डे होता है, तो यहाँ पर हम एवरीडे लिख दिए। उसके बाद देखिए मेरी माँ के द्वारा, तो लिखेंगे बाई माई मदर। अगला सेंटेंस को देखेंगे, क्या मेरे पिताजी के द्वारा प्रतिदिन बाजार से खाने के लिए जलेबी लाया जाता है। तो देखिए इस वाक्य में मेरे पिताजी के द्वारा, देखिए द्वारा वाला जो भी वर्ड होगा वो सबको लास्ट में लिखना है, प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव वर्ड है, बाजार से यहाँ पर से प्रीपोजिशन लग गया। अब देखिए खाने के लिए, यहाँ पर के लिए भी प्रीपोजिशन लग गया, जलेबी है तो उसके साथ कुछ नहीं है, या जाता है पहचान हो गया, लाना तो हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर जलेबी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो जलेबी का वर्ड होता है फनल केक, और फनल केक के साथ एम इज आर में से इज का प्रयोग करते हैं, तो पहले लिखेंगे इज, उसके बाद लिखेंगे फनल केक, तो देखिए इज फनल केक। उसके बाद देखिए खोजेंगे निगेटिव वर्ड को, अगर सेंटेंस में निगेटिव वर्ड होगा तो उसको लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, तो देखिए इस वाक्य में कहीं पर निगेटिव वर्ड नहीं है तो उसको छोड़ दिए हैं। वर्ब हमारा है लाना, लाना का वर्ड होता है ब्रिंग, और ब्रिंग का तीसरा रूप होता है ब्रॉट, तो ब्रॉट लिख दिए। उसके बाद देखिए पीछे की तरफ लौटेंगे, देखिए के लिए है तो के लिए का वर्ड होता है फॉर, तो यहाँ फॉर लिख दिए। उसके बाद देखिए फिर पीछे लौटेंगे, क्या चीज़ के लिए, तो खाने के लिए, तो खाना का वर्ड होता है ईट, तो यहां ईट लिख दिए। अब देखिए बाजार से, तो बाजार से खरीदेंगे तो वो लेकर आएंगे, तो बाजार से तो जलेबी दूर हो जाएगा, इसलिए फ्रॉम मार्केट लिखेंगे, तो यहां पर देखिए
फ्रॉम मार्केट लिख दिए, फिर पीछे लौटेंगे तो प्रतिदिन है। प्रतिदिन का वर्ड होता है डेली, भी लिख सकते हैं डे बाई डे, भी लिख सकते हैं पर डे, भी लिख सकते हैं एवरी डे, भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एवरी डे लिखे हैं, उसका फिर पीछे लौटेंगे, देखिए के द्वारा का वर्ड होता है बाई, तो यहाँ पर बाई लिख दिए। मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी का वर्ड होता है माई फादर, तो यहाँ पर देखिए माई फादर लिख दिए। इसी तरह से आप लोग लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर चैनल पे बने हुए रहिए, आप लोगों को बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाने को सिखलाया जाएगा। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।